So guys, our boarding is done and now we are heading to work. I am planning to buy this bag. Guys, so we are about to reach the Leo. Guys, so this is my outfit of the airport. Airport ka outfit hai and we are leaving for somewhere. I cannot disclose the location and hum ja rahe apni vacations ke liye. एंड ये मेरा पूरा आउटफिट है एंड अब मैं आपको मिलती हूँ गाड़ी में बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी लेट. इट्स ऑलरेडी 10:30 PM और हमें एनी हाउ लीव करना है फटाफट. सो बाय बाय. हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अभी डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं करूँगी. मैं वहाँ पहुँच के ही बताऊँगी कि हम कहाँ पहुँचे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप थोड़ा सा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे क्यूरियोसिटी जो भी उसे कहते हैं वो मेंटेन करना चाहती हूँ और वहीं जाके आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ. और ये सफ़र थोड़ा होने वाला है लंबा तो आपको पूरी अपडेट्स टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूँगी देने का अपने आगे वाले क्लिप्स में. तो अब हम चल चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके लिए और बाद में मिलते हैं. बाय बाय, बने रहिए एंड तक ब्लॉग में. हमारे रास्ते पहुंच चुके हैं और अभी हमारी टैक्सी जो भी है CNG फिल, तो यहाँ पे CNG फिल कराएंगे और उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे. तो हमारे साथ जा रहे हैं मम्मी पापा दोनों और मैं. मिलते हैं आपको बाहर. ऑल्सो हमें अभी इतनी भूख लग रही है, हमने वैसे डिनर करके भी नहीं निकले. सुबह का ब्रेकफास्ट कर रखा है और इवनिंग में थोड़ा बहुत खाया था, नॉट अ प्रॉपर लंच. तो बहुत अब भूख लग रही है. बीच में रुकेंगे कोई रेस्टोरेंट पे, खाएंगे पियेंगे और टाइम भी ऐसा है कि अब नींद बहुत आ रही है बट सो नहीं सकते. आवर लेटर. तो हमारा खाना पीना हो चुका है एंड हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया है और अब हम दोबारा ट्रैवलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है. जैसे हम कार में बैठे हैं नाउ वी आर मूविंग अहेड प्रॉपर जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी तरफ. मेनी अनबेरेबल आवर्स लेटर. चेक इन बहुत अच्छे से हो चुका है, हमारे सारे लगेज वगैरह चले गए हैं, सारा चेक इन भी हो गया है, हमारा सिक्योरिटी चेक इन एंड एवरीथिंग. और अब हम घूमेंगे थोड़ा एयरपोर्ट एंड देन विल फिगर आउट टू ईट समथिंग बिकॉज वी आर फीलिंग वेरी हंग्री. केला दे बाबा, बच्ची को भूख लगा है, इंसान है कि कौन है, केला दे. अभी भी मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आपको वहीं जाके पता चलेगा जहाँ मैं जा रही हूँ. सो सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं क्योंकि आप ब्लॉग में एंड तक बने रहेंगे, वरना स्किप करते करते सब लोग ब्लॉग देखते हैं जो टू बी ऑनेस्ट सच बात है सब स्किप करते हैं ब्लॉग. इसलिए मैं सस्पेंस बना के रखना चाहती हूँ कि कोई स्किप ना करे एंड तक कि मैं कहाँ जा रही हूँ. और अभी हम सिटिंग एरिया पर बैठे हैं, देखते क्या करते हैं. टाइम पास तो करना है एक घंटे क्योंकि अभी 6:30 हो रही है, 8 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो 1.25 घंटा वेट करना है हमें. तो गेट तक जाने में भी टाइम लगता है, टेक्स टाइम. Settle down.
hours later. Guys, we have landed. Jaapana layover hai abhi. We have landed safely. And yahan pe hamara 7 hours ka layover hai. And the airport of this country is samne tha too. Beautiful. Like sabse sundar kaha jata hai isko. World mein kaha jata hai isko. Sabse sundar airport hota hai iska. Most of you might have guessed also कि कौन सा होता है. So यहाँ पे हम आए हैं and 7 hours का halt है. वजह है जो 7 hours का मैंने halt लिया है. Just wanted to explore the airport of this country because everyone was like इसका airport बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. So like no, I want a big time halt. इसलिए now अभी flight रोकी नहीं है, अभी हम flight से उतरे नहीं हैं. अब मैं आपको अंदर जाके सब दिखाऊंगी बिकॉज वी हैव टू गो टू बाहर एंड देन सो गाइस. तो हम चांगी एयरपोर्ट में हैं अभी एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टर्मिनल. पहले वहाँ पे सारा चेक इन वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम फिल कर देंगे. उसके बाद विल थिंक हमें कहाँ कहाँ घूमना है. अभी वी विल टेक स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 3. आई डोंट नो व्हाट्स दैट. वो स्काई ट्रेन होती है यहाँ पे, इट्स वेरी फेमस आई गेस. सो पहले हम वो ट्रेन लेंगे, देन विल गो टू टर्मिनल 3 थ्रू दैट. एंड फिर उसके बाद हम घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं. सी हमें क्या करना है, बहुत भूख भी लग रही है. अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है. शॉपिंग करने का भी मन है बट डोंट नो व्हाट टू बाय. बट इससे मन सा हो रहा है कि क्या ले. देन देखते हैं. अभी तो ऐसे जैसे हाइप कर रखा था चांगे एयरपोर्ट से वो फ्लावर, बट अभी तो मुझे तो कुछ खास नहीं दिखा. बट अभी डिपार्चर्स के साइड दिखेगा कि क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए. तो अब देखते हैं. चार्ल्स एंड कीथ एयरपोर्ट पे एंड आई हैव यू नो मुझे बैग बहुत अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग टू बाय दिस बैग, इट्स वेरी प्रिटी, इट इज़ फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ. आई जस्ट शो दैट मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग द कलर. सो आई एम थिंकिंग टू बाय दिस वन. आई रियली लाइक दिस वन एंड अदर ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहे हैं. वन इज इन दिस ब्लैक एंड वन इज लाइक ब्राउन कलर एंड आई एम liking it a lot, so planning to buy. So guys, हमारी शॉपिंग हो गई है डन. मैंने चार दिन कीप से एक बैग लिया है जो भी मैं आपको दिखा रही थी एंड मुझे पहली नज़र पर ही पसंद आ गया था एंड मुझे काफ़ी सही रेट्स पर मिल गया तो मैंने ले लिया. एंड इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग जहाँ जा रही हूँ वहाँ जा कर दिखाऊँगी. अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. और अब मैं सोच रही हूँ और खर्चा ना करूँ, बट अगर मेरे को लालच आया तो मैं बिल्कुल करूँगी. तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे. गाइस, वी आर एट बटरफ्लाई गार्डन. अभी एयरपोर्ट के अंदर ही है ये बटरफ्लाई गार्डन. हम ये देखने आए हैं. हमें आपको कैसा लग रहा है बटरफ्लाई गार्डन? बहुत अच्छा लग रहा है. आपको एयरपोर्ट कैसा लगा? चांगी एयरपोर्ट. चांगी एयरपोर्ट से जितना हाइप सुना था वो वर्थ भी है. बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, घूमने की बहुत ज़्यादा है. हमारा 7 आवर्स का ले ओवर है एंड ऑलरेडी 2:28. हमें पता भी नहीं चला टाइम कहाँ चला गया बिकॉज इतना बड़ा एयरपोर्ट है, घूमने में इतना टाइम लग रहा है. सो द एयरपोर्ट इज़ बोथ. यहाँ पे आप घूमने आओ, आपका ले ओवर है या कुछ भी है तो चांगी एयरपोर्ट इज़ अ मस्ट. यू नो बहुत अच्छा सब कुछ यहाँ पे, बहुत अच्छा है. मेरी शक्ल चले गई, अंधेरा हो गया, सॉरी. सब बहुत अच्छा है यहाँ पे, घूमने की बहुत सारी जगहें हैं. आप शॉपिंग वेराइटीज़, इतने सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है. बिग थम्स अप. फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं एंड आई एम टोटली लविंग. मुझे ऐसे रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैंने इतने आज का ले ओवर क्यों लिया, कुछ था नहीं उसमें. बट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके.
मैंने शॉपिंग भी कर ली तो मुझे तो और अच्छा लगेगा। Two hours later. So guys, अभी टाइम हो रहा है 11 मतलब 10:54 हो रहे हैं एंड आर बोर्डिंग विल स्टार्ट एट 11:25 और हम अपने गेट पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा 7 घंटे का ले ओवर, लिटरली 5 आवर्स टेक रखता है, 7 आवर्स बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतने टायर्ड हो गए हैं ना। एंड अब बोर्डिंग गेट पे आ गए हैं, इसके बाद हार्डली हाफ एन आवर बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, 20-25 मिनट बाद शुरू हो जाएगी एंड देन 12:25 पे टेक ऑफ है। उसके बाद वी विल बी लैंडिंग अपनी जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं 9 in the morning। सो आर बोर्डिंग इज डन एंड अब हम जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ। हमारा थोड़ा डिले हो गया है, अराउंड आई गेस 20-25 मिनट्स डिले हो गई है फ्लाइट और अब हम फ्लाइट में वापस जा रहे हैं, बोर्डिंग हो गया है। A few moments later. Hi guys, good morning. So we are in flight mein and jahan pe hame pahunchna hai uska time reh gaya hai hardly 1 hour 45 minutes and a good news that I was able to access the wifi connection. raat mein main raat ko shoot nahi kar paya because pura andhera tha, isliye ab kar flight se hum gaye hain. So that why I got the access to Wi-Fi connections. How I recently purchased the Wi-Fi. Yes, I purchased the plan for Wi-Fi. It was around $15, and like a little net pack. I was able to chat. I am able to chat. I am able to video call and everything. So for the you know just see the technology in advance on your flight. पहली बार ट्राई किया, बहुत लोगों ने कहा था बहुत ट्राई, बट आई हैव ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई लव्ड इट एंड अभी 1 घंटा 45 मिनट बाद माई लैंडिंग हो गई एंड वी हैव स्टार्टेड गिविंग रिफ्रेशमेंट्स और अब बहुत थक गया, बहुत नींद आ गया, बहुत हेक्टिक हो गया। सो गाइस, वी हैव रीच्ड आवर फाइनल डेस्टिनेशन, हम पहुँच चुके हैं और अब मैं बता देती हूँ इट्स नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया। वी हैव लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, तो यहाँ पे हमारा है 2 मंथ्स का वेकेशन और अब माय ब्रदर एंड भाभी हैज कम टू पिक अस, वो नीचे वेट कर रहे हैं एंड अब जस्ट अभी हम निकले हैं प्लेन से और अब अपने बेल्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से वील पिक आर लगेज एंड देन वील स्ट्रेट फॉर। सुपर एक्साइटेड, बाय।